दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ब्राज़ील देश कॉफ़ी बंदरगाह के लिए तो विश्वविख्यात है ही, लेकिन आज हम ब्राज़ील का एक और रहस्य बताने जा रहे हैं, वो है यहाँ का स्नैक आइलैंड। दरअसल ब्राज़ील के साओ पोलो तट से 33 किलोमीटर दूर यह आइलैंड दूर से तो हरा भरा दिखाई देता है, लेकिन यहाँ केवल पेड़ पौधे ही नहीं पाए जाते। इस द्वीप का नाम पुर्तगाली में इल्हा दा क्यूइमाडा ग्रांडे है। बात की जाए इस स्नैक आइलैंड की, तो क्या यहाँ सच में सांप पाए जाते हैं? जानते हैं इस आइलैंड के पीछे का क्या है इतिहास और यहाँ पर कैसे आ गए इतने सारे सांप। लगभग 11,000 साल पहले यह आइलैंड ब्राज़ील की मुख्य भूमि से कट गया और जो स्नैक इस आइलैंड पर मौजूद थे वे तैरकर समुद्र पार नहीं कर सकते थे, इसलिए वे इसी द्वीप में फंस गए और धीरे धीरे उनकी आबादी बढ़ती गई। कुछ यहाँ के लोग बताते हैं कि इस आइलैंड पर समुद्री डाकुओं ने खजाने को छुपाया और सुरक्षा के लिए यहाँ जहरीले सांप छोड़ दिए, लेकिन यह कहानी केवल एक मिथक है, किसी प्रकार का कोई सच नहीं है। आपको बता दें कि इस आइलैंड पर हर वर्ग मीटर में 4 से 5 सांप मिल जाएंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस आइलैंड में कितने सांप हो सकते हैं। ब्राज़ील का यह स्नैक आइलैंड मौत का घर कहा जाता है, इसलिए यहाँ किसी भी नागरिक को जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पाए जाने वाले सांप ब्राज़ील में पाए जाने वाले सामान्य सांपों से कई गुना अधिक जहरीले हैं। इनमें खतरनाक वाइपर सांप, जिसे गोल्डन लांस हेड भी कहा जाता है, विशेष रूप से इसी द्वीप पर पाया जाता है। हल्के सुनहरे रंग के सुनहरे भूरे रंग की पट्टियों वाले ये सांप अपनी पीली आंखों के साथ अलग ही दिखाई देते हैं। यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति के सांप हैं। इन सांपों का जहर इतना जहरीला है कि यह इंसान के मांस को भी गला सकता है, ब्रेन हैमरेज और मसल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। यह आइलैंड इस प्रजाति के सांपों का प्राकृतिक घर है। इनका आहार यहाँ के रहने वाले पक्षी हैं। इस स्नैक आइलैंड का दौरा करना संभव नहीं है। ब्राज़ीलियाई नौसेना समुद्र में गश्त करती रहती है ताकि कोई इस आइलैंड पर घुस ना सके। इस आइलैंड में जाने की अनुमति केवल असाधारण मामलों में ही दी जाती है, जैसे किसी शोध के लिए, वैज्ञानिक रिसर्च आदि के लिए। तो ये थी इस स्नैक आइलैंड की पूरी कहानी। आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह एक और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए पुस्तक बोध से।